वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ट्रिपल सी बाई फाइव टी चैनल में। और आज की वीडियो में ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे शॉर्टकट की एमएस वर्ड से भी आपके ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर एमएस वर्ड में जो शॉर्टकट की यूज होते हैं उनके बारे में यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड की जाए उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर देखते हैं कुछ शॉर्टकट की, जैसे कि सबसे पहले जो शॉर्टकट की है उसमें शिफ्ट है। शिफ्ट का जो यूज होता है इसका यूज आप अपर केस अल्फ़ाबेट, यदि आप अल्फ़ाबेट को अपर केस में लिखना चाहते हैं तो शिफ्ट की का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में जो कैप लॉक होता है तो इसका भी, इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर अपर केस अल्फ़ाबेट, इसका भी यूज जो है वो अल्फ़ाबेट को अपर केस में करने के लिए होता है। यदि आप पूरा जो भी आप लिखना चाहते हैं मैटर, तो सारा का सारा यदि आप अल्फ़ाबेट जो है वो कैपिटल लेटर में लिखना चाहते हैं तो आप कैप लॉक को ऑन कर लेंगे और आप स्टार्ट करेंगे टाइपिंग करना, ठीक है। तो सारे जो आपके लेटर होंगे वो कैपिटल लेटर में टाइप हो जाएंगे। बट यदि आप एक सेंटेंस केस में लिखना चाहते हैं तो शिफ्ट का यूज़ कर सकते हैं, बीच बीच में जो भी लेटर आपको अपर केस में बनाना होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद में जो अगला है वो है प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन का जो यूज होता है, ये आपका जो प्रिंट स्क्रीन इमेज को लेता है, यूज टू प्रिंट स्क्रीन इमेज। आप यदि किसी भी इमेज को प्रिंट करना चाहते हैं, यानी मीन्स आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप प्रिंट स्क्रीन का यूज कर सकते हैं। आपकी विंडो का स्क्रीनशॉट यदि आपको लेना है तो आप प्रिंट स्क्रीन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंट स्क्रीन करेंगे उसके बाद आप कहीं भी उसको पेस्ट करा सकते हैं, तो आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन का एक फोटोज आ जाएगा, एक इमेज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जो होता है स्क्रॉल लॉक, इट इज़ यूज टू स्टॉप स्क्रॉलिंग ऑफ द टेक्स्ट टेम्परेरली, आपके टेक्स्ट की स्क्रॉलिंग को ये स्टॉप कर देता है, स्क्रॉल लॉक यदि आप ऑन कर देते हैं तो, ठीक है। उसके बाद में कंट्रोल के, कंट्रोल के जो होता है वो हाइपरलिंक के लिए होता है, यहाँ से आप एक हाइपरलिंक को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल के जो शॉर्ट की है वो इंसर्ट ये हाइपरलिंक, ओके। अगला है कंट्रोल जे, कंट्रोल जे जो होता है अलाइन द सेलेक्टेड टेक्स्ट टू जस्टिफाई, आप जिस भी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं उसको ये जस्टिफाई कर देता है। मींस आप देख पा रहे हैं जैसे इस साइड में जो लाइन आपकी बराबर जा रही है, जो इंटेंट आपके बराबर है, तो इस साइड में भी, इस साइड में भी वो बराबर कर देता है, यानी कि दोनों तरफ से बराबर कर देता है पेज को। तो यदि आप जस्टिफाई करना चाहते हैं पेज को तो आप कंट्रोल साथ में जे प्रेस करेंगे और मैटर आपका जस्टिफाई हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला शॉर्ट की है वो है कंट्रोल के साथ में ई, यदि आप कंट्रोल के साथ में ई प्रेस करते हैं तो आपका टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। यदि आपने कुछ भी लिख रखा है और उसको यदि आप डॉक्यूमेंट के बिल्कुल सेंटर में लाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में ई प्रेस करना होगा और आपका टेक्स्ट आपका सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। बट उस टेक्स्ट के आगे आपका कर्सर होना चाहिए, ठीक है। चलिए उसके बाद में कंट्रोल एल है, अलाइन द सेलेक्टेड टेक्स्ट टू द लेफ्ट। कंट्रोल एल से क्या होता है, आप जो भी टेक्स्ट आपका होता है उसको आप लेफ्ट में ले जा सकते हैं और कंट्रोल आर से आप उस टेक्स्ट को राइट में ले जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं कंट्रोल ए, कंट्रोल ए का जो यूज होता है सेलेक्ट ऑल द कंटेंट एट ए टाइम, सभी कंटेंट को एक बार में आप यदि सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल साथ में ए प्रेस कर देंगे तो सारा मैटर आपका एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल बी का जो यूज होता है बोल्ड करने के लिए, ठीक है, तो आप किसी भी मैटर को यदि बोल्ड करना चाहते हैं तो कंट्रोल बी यूज कर सकते हैं तो मैटर आपका बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल सी होता है, तो कंट्रोल सी का जो मतलब है कॉपी द सेलेक्टेड टेक्स्ट, आप किसी भी टेक्स्ट को यदि कॉपी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैंने जो भी लिखा है वो कॉपी होकर के कहीं दूसरे स्थान पर पेस्ट हो जाए तो आप कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हैं। एंड कंट्रोल एक्स से आप उस टेक्स्ट को बिल्कुल वहाँ से हटाना चाहते हैं, उसका स्थान बदलना चाहते हैं तो आप कंट्रोल एक्स से कट कर सकते हैं जो भी टेक्स्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। पहले आपको सेलेक्ट करना है उसके बाद कंट्रोल एक्स प्रेस करना है। उसके बाद में अगला जो है कंट्रोल वी है, कंट्रोल वी से क्या होता है पेस्ट दी कॉपीड और कट मीटर, आप किसी भी कट अथवा कॉपी किए हुए मैटर को पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपने कोई भी जो मैटर कट किया या कॉपी किया है उसको आप पेस्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल वी यूज करेंगे और वो मैटर आपका पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद में आता है कंट्रोल साथ में यू, कंट्रोल साथ में यदि आप यू प्रेस करते हैं तो अंडरलाइन द सेलेक्टेड टेक्स्ट, जिस भी टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कर लोगे उसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी मैटर आपने सेलेक्ट किया होगा उसके नीचे एक अंडरलाइन लाने के लिए कंट्रोल साथ में यू प्रेस करेंगे। अगला जो शॉर्ट की है वो है कंट्रोल के साथ में यफ,
यदि आप कंट्रोल के साथ में यफ प्रेस करते हैं ओपन फाइंड बॉक्स, तो ये फाइंड बॉक्स को ओपन कर देता है। ठीक है, आपका एक डॉक्यूमेंट के अंदर फाइंड बॉक्स आ जाएगा, वहाँ से आप किसी भी वर्ड सेंटेंस को फाइंड कर सकते हो। उसके बाद में शॉर्ट की है कंट्रोल के साथ में यच, इसका मतलब होता है रिप्लेस करना। कंट्रोल के साथ में आप यच प्रेस करोगे तो रिप्लेस का एक डाला बॉक्स आ जाएगा और किसी भी वर्ड को आप रिप्लेस करा सकते हो। ठीक है, उसके बाद में जो शॉर्ट की है कंट्रोल के साथ में आई, इटैलिक का सिलेक्टेड टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया होगा उसको इटैलिक कर देगा। ठीक है, आप जो भी लिखते हैं उसका थोड़ा तिरछा लिख देगा। ठीक है, चलिए अगला जो देखते हैं, अगला शॉर्ट की है कंट्रोल के साथ में जेड, यदि कंट्रोल के साथ में जेड प्रेस किया जाता है तो अंडो द लास्ट एक्शन, जो भी आपने लास्ट एक्शन जो भी लास्ट वर्क किया होगा उसको अंडो कर देगा, उसको डिलीट कर देगा। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल वाई होता है रेड द लास्ट एक्शन, मीन्स आपने यदि धोखे से कंट्रोल जेड कर दिया, आप कुछ भी लिख रहे थे और आपने धोखे से कंट्रोल जेड कर दिया, तो फिर उसको पुनः वापस लाने के लिए कंट्रोल वाई प्रेस कर सकते हो, जिससे कि आपका मैटर रेडो हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट एक्शन को रेडो करेगा कंट्रोल वाई और अंडो करेगा कंट्रोल जेड। अगला ऑप्शन होता है कंट्रोल के साथ में जी प्रेस करना, तो यहाँ आपको पहुँचा देगा गो टू ऑप्शन पे। ठीक है, कंट्रोल जी आप प्रेस करेंगे तो आप गो टू पे पहुँच जाएंगे। अगला ऑप्शन, अगला है शॉर्ट की कंट्रोल एस, कंट्रोल एस का जो यूज होता है सेव, यदि आप किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हो तो आप कंट्रोल के साथ में यस प्रेस करोगे और आपका एक सेव का डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अल्टर के साथ में आर, यदि आप अल्टर के साथ में आर प्रेस करते हो तो आप रिव्यू टैब पे पहुंच जाते हो। ठीक है, कहाँ जाओगे आप, रिव्यू टैब, यानी कि रिव्यू टैब की जो शॉर्टकट की है वो है अल्टर के साथ में आर प्रेस कर देना है। उसके बाद कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस सी, यदि कंट्रोल अल्टर और सी प्रेस करते हो तो कॉपीराइट का साइन बना सकते हो आप। ठीक है, क्रिएट एक कॉपीराइट साइन, एक कॉपीराइट का जो साइन होता है वो आप क्रिएट कर सकते हो कंट्रोल अल्टर और सी प्रेस करने से। ठीक है, उसके बाद में कंट्रोल के साथ में पी, यदि आप कंट्रोल साथ में पी प्रेस करते हो तो पेज लेआउट, सॉरी अल्टर के साथ में यदि पी प्रेस करते हो तो आप पेज लेआउट पे पहुंच जाते हो। ठीक है, अल्टर के साथ में यदि आप पी प्रेस करते हो तो पेज लेआउट टैब पे आप पहुंच जाते हैं। उसके बाद में कंट्रोल ओ है, इसका जो है ओपन, यदि डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे, ओपन का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। चलिए अगला शॉर्ट के देखते हैं, कंट्रोल के साथ में वन, यदि आप कंट्रोल के साथ में वन प्रेस करते हो सिंगल स्पेस लाइन ऑफ द टेक्स्ट, तो आप जो टेक्स्ट की लाइनें हैं उनमें सिंगल स्पेस दे सकते हो, लाइन टू लाइन। ठीक है, आपकी जो है लाइन है, आपने यहाँ पे एक लाइन लिख रखी है, ये वाली लाइन है। ठीक है, मान लेते हैं आपकी यहाँ पे एक लाइन है, आपने कुछ इस लाइन में लिखा, उसके बाद कुछ इस लाइन में लिखा, तो इस दोनों लाइनों के बीच में जो स्पेस है ना, इस स्पेस को बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे एक सिंगल स्पेस दे पाएंगे कंट्रोल, या अगर आप कंट्रोल साथ में वन प्रेस करते हैं तो, और कंट्रोल साथ में अगर टू प्रेस करते हैं तो आपको डबल स्पेस मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपको दो डबल स्पेस मिल जाएगा, थोड़ा स्पेस ज़्यादा हो जाएगा। और ऐसे ही अगर आप कंट्रोल साथ में फाइव प्रेस करते हैं तो वन एंड हाफ स्पेस इन लाइन ऑफ द टेक्स्ट, इस लाइन और इस लाइन के बीच में एक वन हाफ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में कंट्रोल शिफ्ट और एल, यदि आप कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस करते हो तो क्विक क्रिएटिव बुलेट पॉइंट, एक बुलेट पॉइंट आप क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, जैसे आपके बुलेट पॉइंट होते हैं तो इन बुलेट पॉइंट को आप यदि क्रिएट करना चाहते हैं बाय शॉर्टकट की, तो कंट्रोल शिफ्ट और एल, यानी कि बुलेट पॉइंट को इंसर्ट करने की जो शॉर्ट की है वो है कंट्रोल शिफ्ट और एल। अगला शॉर्ट की है कंट्रोल साथ में यम, इंडेंट द पैराग्राफ, आप पैराग्राफ को इंडेंट कर सकते हो। ठीक है, तो इंडेंट करने के लिए कंट्रोल साथ में यम प्रेस करना होगा। कंट्रोल शिफ्ट और एफ, क्विक चेंज द फॉन्ट, आप फॉन्ट को क्विक चेंज कर सकते हो, फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा चेंज करने के लिए, कंट्रोल साथ में यदि शिफ्ट दबाते हो और प्रेस या प्रेस करते हो। उसके बाद होता है शॉर्ट की कंट्रोल एन, ओपन ए न्यू डॉक्यूमेंट, एक नए डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए कंट्रोल एन प्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो नया डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर सकते हो, वहाँ पर नया डॉक्यूमेंट आपका आ जाएगा। कंट्रोल के साथ में शिफ्ट और आप ग्रेटर देन का मार्क लगाते हो तो इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया होगा उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और आप लेस देन का मार्क लगाते हो तो डिक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया होगा उसका साइज डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो किसी भी टेक्स्ट का साइज बढ़ाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और आपको ग्रेटर देन यूज करना है, उसके बाद कम करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन यूज करना है। चलिए अगला शॉर्ट की है कंट्रोल के साथ में, आप यहाँ पे कंट्रोल साथ में ये ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, तो इस ब्रैकेट से क्या होगा, डिक्रीज द सिलेक्टेड टेक्स्ट, इससे भी आप टेक्स्ट को
डिस्क्रीज कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, एंड कंट्रोल साथ में आपको इस ब्रैकेट को यूज करना है तो इंक्रीज द सेलेक्टेड टेक्स्ट, आपका जो टेक्स्ट होगा उसको आप कम कर सकते हो। ओके, अगला जो शॉर्ट की है कंट्रोल साथ में पी, इससे प्रिंट दी डॉक्यूमेंट, आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है यदि आपको, तो कंट्रोल साथ में पी प्रेस करेंगे और आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा, मीन्स प्रिंट का एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, फिर आप यदि ओके करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद अल्टर के साथ में शिफ्ट और डी है, यूज टू इंसर्ट करंट डेट, यदि आप करंट डेट इंसर्ट करना चाहते हैं तो अल्टर शिफ्ट और डी प्रेस करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट में करंट डेट इंसर्ट हो जाएगी। अगला है अल्टर शिफ्ट और टी, इससे क्या होगा, इंसर्ट द करंट टाइम, यदि आपको करंट टाइम इंसर्ट करना है तो अल्टर शिफ्ट और टी प्रेस करेंगे, करंट टाइम इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ESC एस्केप बटन जो आपका होता है कैंसिल द करंट टास्क, जो भी आपका करंट टास्क होता है उसको कैंसिल कर देता है, मीन्स आपने कंट्रोल पी दबाया तो प्रिंट का डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया, अब इस डायलॉग बॉक्स को आपको हटाना है तो कैंसिल कर सकते हैं या फिर एस्केप बटन दबा देंगे कीबोर्ड से तो भी ये कैंसिल हो जाएगा। कंट्रोल के साथ में यदि होम प्रेस करते हैं तो मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, कंट्रोल और होम यदि आप प्रेस कर देते हैं तो डॉक्यूमेंट के बिगनिंग में आपका कर्सर पहुंच जाता है। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल साथ में डिलीट आप दबाते हैं तो डिलीट द वर्ड टू द राइट ऑफ द कर्सर, कर्सर के राइट में जो भी वर्ड होता है उसको डिलीट कर देता है कंट्रोल के साथ में डिलीट प्रेस करने से। कंट्रोल प्लस एंड, मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के एंड में कर्सर को ले जाने के लिए आपको कंट्रोल प्लस एंड दबाना पड़ेगा तो आपका कर्सर बिल्कुल डॉक्यूमेंट के एंड में आ जाएगा। अगला शॉर्ट की है F1 शॉर्ट की यूज करते हैं, यूज्ड फॉर हेल्प, हेल्प का एक बॉक्स खुल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में F4 होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर रिपीट लास्ट एक्शन, लास्ट एक्शन को रिपीट करने के लिए F4 का यूज करते हैं, आपने लास्ट में जो भी लिखा होगा और उसको पुनः लिखना चाहते हैं तो आप F4 दबा देंगे, वही आपका जो एक्शन होगा वो फिर से रिपीट हो जाएगा। उसके बाद में जो शॉर्ट की है F5, ओपन द फाइंड रिप्लेस एंड गो टू, F5 से क्या होगा, फाइंड रिप्लेस एंड गो टू का ऑप्शन खुल जाएगा। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट की है F7, इट इज़ यूज फॉर स्पेल एंड ग्रामर चेक, यदि आपको स्पेल एंड ग्रामर चेक का ऑप्शन लाना है तो F7 प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद F12 टू ओपन इज सेव एज डायलॉग बॉक्स, सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है तो आप F12 प्रेस कर सकते हैं, मीन्स आपका डॉक्यूमेंट यदि आपको सेव एज करना है, दोबारा से सेव करना है तो F12 आप प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस F12, आप यदि कंट्रोल शिफ्ट और F12 दबाते हो तो प्रिंट द डॉक्यूमेंट, आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, तो वैसे आपका जो कंट्रोल पी होता है, कंट्रोल के साथ में यदि आप पी प्रेस करते हो तो भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हो, लेकिन दूसरा जो शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और 12, इससे भी आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि प्रिंट की शॉर्टकट की कंट्रोल पी के अलावा कौन सी है, तो कंट्रोल शिफ्ट और 12 है। ठीक है, उसके बाद में कंट्रोल प्लस होम, मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के बिगनिंग में आप पहुंच जाएंगे, कंट्रोल डिलीट, डिलीट द वर्ड टू द राइट ऑफ द कर्सर, कर्सर के राइट में वर्ड को आप डिलीट कर सकते हैं, और कंट्रोल एंड, मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, CCCWiFiStudy से आप फेसबुक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।